प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इस बार दागी उम्मीदवारों को चुनाव में कड़े नियमों का पालन करना होगा। उन्हें अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों का ब्यौरा अपने शपथ पत्र में देने के साथ ही अपने क्षेत्र के मतदाताओं को भी बताना होगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए उन्हें कम से कम 3 बार समाचार पत्र में विज्ञापन देना जरूरी कर दिया है। भारतीय चुनाव आयोग के वरिष्ठ प्रमुख सचिव नरेंद्र एन बटोलिया ने सभी राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग को इस आशय का पत्र भेजा है। लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र के स्थानीय वोटर चुनाव आयोग के इस निर्णय को एक अच्छा और सही निर्णय बता रहे हैं। साथ ही वोटर ऐसे प्रत्याशियों के लिए पार्टी को भी टिकट ना देने की बात कर रहे हैं। वो है चुनाव आयोग का निर्णय, चलिए। और मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी को भी जो है अपराधी किस्म के आदमी को टिकट भी नहीं देना चाहिए, चलिए। ये जब अपराधी है वो पहले से ही जो है क्रिमिनल है, अपराधी जो भी उसमें धारा उस पर चली हुई है, मुकदमेबाजी है, चलिए। तो ऐसे अपराधी को जो है निर्णय कैसा मानते चुनाव आयोग का? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा निर्णय है, ये बहुत बढ़िया निर्णय है। चुनाव आयोग ने कम से कम इसमें बहुत अच्छी पहल की है कि जो हमारे विधायक जो बनने वाले हैं या जो वर्तमान में हैं या जो लड़ाई में हैं, उनका कम से कम हमें कानूनी रूप से पता तो लगे कि उनके ऊपर कितना क्या अपराध है, उनके ऊपर क्या उन्होंने अपराध किए हैं, लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी। इस चीज़ इस निर्णय को बहुत ही अच्छा मानते हैं, ये तो अब से पहले हो जाना चाहिए था, इससे जनता को खुशी मिलेगी और फायदा होगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा।